भाइयों ये है जम्बूद्वीप प्रवेश द्वार। इधर से ये देखिए सुमेरु पर्वत, भाई वाह क्या गजब मंदिर है यहाँ। बस हम आ गया, आइडिया बढ़िया। क्या शानदार बिल्डिंग है भाइयों, आचार्य श्री शांति सागर प्रवचन हॉल। भाइयों दर्शन कर लीजिए इन मंदिरों के। क्या सुंदर पार्क है भाइयों, सब आनंद ले रहे हैं यहाँ का, सेल्फी ले रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है मन को शांति। घूमने में भाइयों बहुत मन लग रहा है। ये देखिए ट्रैक्टर रुक गया, हाथी पे जो सवारी कर रहे हैं यहाँ से उतरेंगे। ये जिन्ना है, इन्होंने एक राउंड लगाया। भाइयों ग्रीनलैंड फार्म पर जो हम गए थे वो वीडियो बनाई है, उससे जम्बूद्वीप मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। आप वहाँ भी आ सकते हो, ठहर भी सकते हो। ठहरने के लिए ग्रीनलैंड में बहुत अच्छी जगह है और घूमने के लिए यहाँ आओ हस्तनापुर जम्बूद्वीप। तीन लोक रचना लाया हाथी पर सवारी कर रहे हैं, बच्चे घूम रहे हैं इसमें। आओ जल्दी आओ। हंसी के गोलगप्पे, ये ट्रेन है, एक डिजाइन बनाया गया है, बाकायदा रूम है और इसके अंदर हरिक जयंती एक्सप्रेस ट्रेन। देखिए क्या गजब बनाई है, आगे इंजन भी लगाया है इसमें। श्री दिगंबर जैन
अष्टापद मंदिर। भाइयों ये हाथी जो है ये मूर्ति ट्रैक्टर ट्रॉली के अंदर चौपहिए के अंदर फिट की गई है। ये देखिए आप, बड़ी सॉलिड है। और ये जीना है चढ़ने के लिए और इस पर जाने के लिए। यहाँ से इसके ऊपर बैठते हैं और फिर एक ये एक राउंड लगा कर आता है जम्बूद्वीप का, इसके बाद में ही खड़ा हो जाता है और यहाँ से उतरना होता है, क्योंकि वैसे उतरेंगे तो दही दूध टूट जाएगी, तड़ा गिरेंगे। तो यही एक रास्ता है ऊपर चढ़ने का और उतरने का। भाइयों कितना सुंदर मंदिर बनाया गया है। कमल का फूल खिला है। सुमेरु पर्वत और भाइयों ये जम्बू गेट द्वार है, प्रवेश द्वार। यहाँ को एंट्री होती है और यहाँ से आप सारे में चारों तरफ घूम सकते हैं। बहुत सुंदर बहुत आलीशान मंदिर बनाए गए हैं, जैन मंदिर। बड़ा मन लगता है भाइयों, बड़ा पैसा खर्च किया है। ये देखिए आप भाइयों, मैं इस टाइम गेट से बाहर हूँ। बहुत सुंदर गेट बना हुआ है, एंट्री द्वार। और यहाँ देखो पार्किंग है, आप गाड़ी बाहर खड़ी कर सकते हो, अंदर भी खड़ी कर सकते हो। कृष्णा चाट भंडार, यहाँ कोल्ड ड्रिंक, खाने पीने का रस वगैरह हर चीज़ मिलती है, गन्ने का रस भी है। मुला के ये है कि बहुत अच्छी हर मनपसंद चीज़ यहाँ है। नींबू पानी भी है, देख लो आप, दूध भी है, चाय भी है, कोल्ड ड्रिंक है, सब सामान यहाँ मिलता है। और यह बड़ा मज़ा आता है घूमने में। भाइयों अब हम घूम फिर कर चल दिए हैं ग्रीन लैंड फार्म की तरफ, जो यहाँ से मात्र 1.5 किलोमीटर है। भाइयों वो अजय मलिक जी का फार्म है, वहाँ पे ठहरने की सुविधा भी है, खाने पीने की है। अगर आप घूमने आ रहे हैं कहीं आपको जगह नहीं मिलती ठहरने की, तो मैं आपको वहाँ का नंबर बताता हूँ। भाई साहब थोड़ा नंबर बोल दियो, 9897331585। भाइयों आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो भाइयों अभी हम वहाँ पहुँचते हैं और मैं आपको दिखाऊंगा, आपको पसंद आए तो ज़रूर वहाँ संपर्क कर लेंगे। भाइयों अब हम चलते चलते अपनी मंजिल पर आ गए हैं। ये नहर वाली सड़क है और ये जम्बूद्वीप से हम आए हैं अभी, और सामने हमारा फार्म है, ग्रीन लैंड है जी। ये सामने बोर्ड चमक रहा है देखो दोस्तों, आ गया बिल्कुल पास में ही है, ये आ गया जी ग्रीन लैंड एग्रो टूरिज्म। अब यहाँ हम आ गए हैं, ये पार्किंग है। भाई यहाँ काफी लोग घूमने आते हैं, बच्चे भी आते हैं, फैमिली वाले आते हैं। और ये सामने घर बने हैं, बहुत गजब। आप यहाँ ठहर भी सकते हो, रात को 2-4 दिन ठहर सकते हो। और यहाँ दिन की एंट्री मात्र 50 रुपये है, यहाँ घूम सकते हो। देखो हुक्का भी है पीने के लिए, और चार पाई पाई लड़की बैठी है, मुड्ढा है, अपने फार्म हाउस जैसा शकुन मिलता है, हरियाली है।
दो चार घंटे घूम के भी जा सकते हो और दो चार दिन के लिए ठहर भी सकते हो। और यहाँ घर से भी बढ़िया स्वादिष्ट भोजन मिलता है, अगर आपने एक बार खा लिया तो बार बार आप यहीं आओगे। ये कैंटीन है भाइयों सामने, यहाँ लेडीज हैं जो खाना बनाती हैं, बहुत टेस्टी खाना। और भाइयों ये नंबर है हस्तनापुर मेरठ ग्रीन लैंड एग्रो टूरिज्म, हस्तनापुर मेरठ ये नंबर है, आप इस पर बात कर सकते हो 9897331585। आप वहाँ से भी ऑनलाइन बुक करा सकते हो अपने परिवार के साथ, दोस्त के साथ यहाँ घूमने आ सकते हो। नमस्कार। ये बुलेट, ये स्कूटर और ये घर, कच्चे बने घर आपको 80 साल पुरानी यादें ताज़ा कर देंगे। ये हमारे चौधरी साहब हैं, नमस्कार। थोड़ा सा आ जाओ मेरे पास को, थोड़ा आपका परिचय लूँगा मैं। मेरा नाम प्रधान अजय मलिक है जी। मैं डिस्ट्रिक्ट मेरठ उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ जी। हस्तनापुर जम्बूद्वीप के पास अपना फार्म है जी। और यहाँ हमने बिल्कुल प्राकृतिक ताकि गोद में माँ गंगे की गोद में जाके फार्म बनाया है जी। और जो है यहाँ वही पुराने स्विच बिजली के, वही धनकाटा, वही गणासा, वही चीज़ लगी है जो 50 के 60 के दशक में थी। और यही कोशिश करते हैं कि सबको अच्छा लगे। मैं धर्मेंद्र जी का बड़ा फ़ैन हूँ, उन्हीं की तर्ज पर सारी सब्ज़ियाँ हमने अपनी बोई हैं, सब सब्ज़ियाँ हमने अपनी लगाई हैं इसमें। और जो है सब ऑर्गेनिक करने की कोशिश करते हैं, अधिकतर तो सब्ज़ियाँ तो ऑर्गेनिक सब हो ही गई हैं। धान भी आप यहाँ खाना खाओगे तो आपको यहीं का जो है चावल मिलेगा, यहीं का गेहूँ मिलेगा, यहीं का खाना चाहे सुविधा सब है, सब सुविधा है। और ठहरने की सुविधा भी है, ठहरने की सुविधा है, कॉटेज बने हुए हैं। देखे कॉटेज बने हुए हैं, कितने सुंदर हैं, इन पर गोबरी फिरी हुई है, कितने सुंदर हैं। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये आला है जब पहले बताया करें थे, और ये गोबरी फिरी हुई है, इसमें सुगंध आ रही है, सूंघ के देखे फ़ोन के अंदर को आपको सूंघ आ जाएगी। और ये अलग अलग पार्टीशन बनाए हैं, मान ली आपको यहाँ ठहरे हैं दो या चार आदमी हैं तो अपना यहाँ बरामदे में बैठ के अपनी मीटिंग कर सकते हो। ये लोन है, यहाँ भी घूम सकते हो और यहाँ को बाहर निकल के बाहर भी घूम सकते हो, यहाँ बैठ भी सकते हो। ये देखिए बैठे हैं इधर लोग, कितना अच्छा लग रहा है भाई। हम देखो बच्चे खेल रहे हैं वहाँ पर, अकेले खेल रहे हैं, कोई टेंशन नहीं, चारों तरफ चार तार बंदी है। रात को रुकेंगे, बालों को परेशान करेंगे, तंग करेंगे, वो करेंगे, दिक्कत ही दूसरी चीज़ करेंगे। यहाँ चाय का आनंद ले रहे हैं भाइयों। आज हम हस्तनापुर क्षेत्र में घूमे और अब अपने घर की तरफ लौट गए हैं। ये रास्ता देखो किस तरह का है, वन 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 खड़े हैं चारों तरफ। पहले जम्बूद्वीप आएगा, फिर वहाँ से हम राइट को घूमेंगे मवाने की तरफ। बंदरों का रेला, ये हम जम्बूद्वीप आ गए हैं घूमते घूमते और अब यहाँ से मवाने की तरफ घूम जाएंगे भाइयों। ये देखिए कितना मन लगता है भाइयों, ये देखिए कितने ऊंचे ऊंचे मंदिर हैं यहाँ पर।